पंजाब के मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अमरिंदर सिंह अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने में असफल रहे। राजभवन जाकर उन्होंने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 बार अपमानित किया गया है। सरकार चलाने को लेकर उनके ऊपर संदेह किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब कांग्रेस अपने भरोसेमंद को सीएम का पद सौंपे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ साथ सभी मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि 60 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ने की धमकी दी थी। साथ ही इन विधायकों ने अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग भी की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन विधायकों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामने की धमकी दी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4:30 बजे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अटकलें लगाई जा रही थी कि सीएम पद से इस्तीफा देने के साथ साथ वो कांग्रेस से भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अमरिंदर सिंह ने अभी कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा है। इस्तीफा देने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके खेमे के पार्टी विधायकों की चंडीगढ़ में उनके आधिकारिक आवास पर काफी देर बैठक हुई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद पंजाब के नए सीएम के लिए सुनील जाखड़ का नाम सामने आ रहा है। बता दें कि जाखड़ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। लोकसभा उपचुनाव 2017 में गुरदासपुर से सांसद भी बने थे। अबोहर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। सुनील जाखड़ पूर्व लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ के बेटे हैं और उनकी गिनती पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है।